नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिटिल मोर नॉलेज में। तो एक छोटा सा प्रोसीजर है, किसी भी व्यक्ति को जब सलाइन चलते रहता है, वैसे स्थिति में मान ली कि मेडिकल स्टाफ अगर घर पर नहीं, घर पर सलाइन चल रहा है, तो इसको डिस्कनेक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। बहुत लोग जो होता है सिर्फ ब्लीडिंग करा देते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो सीख जाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी सलाइन चल रहा है उसको यहाँ से बंद करेंगे। ऊपर की ओर करते हैं तो सलाइन का फ्लो तेज हो जाता है, नीचे की ओर करते हैं तो कम होता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ से लगभग मेरा सलाइन आना बंद हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस पर वाइट वाला जो देख पा रहे हैं आप, एक कैप को इसमें इसलिए लगा करके रखते हैं कि कहीं खो ना जाए। कैप को सबसे पहले निकाल लेंगे और इसे बंद करेंगे। बंद करने के बाद में ये जो पाइप है आईवी सेट, इसे क्या करेंगे कि एंटी क्लॉक इसे घुमाते हैं। हल्का एंटी क्लॉक घुमाए, घुमाने के बाद में बहुत लोग गलती क्या करते हैं, घुमाने के बाद में इसे खींच लेते हैं। खींचने से क्या होता है कि ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। तो खींचना नहीं है, पहले एंटी क्लॉक घुमा लेना है। उसके बाद में इसमें प्लास्टिक का नीडल लगा होता है, तो लगभग 1.5 इंच ऊपर में इस तरीका से आप दबाएंगे तो नीडल आगे से ब्लॉक हो गया। अब फिर आसानी से आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करते हैं कि कैप को पुनः क्लॉक वाइज इसे लगा लेते हैं। लगाने के बाद में रिपीट क्या होता है कि अगर इसी को फिर आपको कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इस कैप को, वाइट वाला कैप को एंटी क्लॉक घुमाएंगे। एंटी क्लॉक घुमाया, घुमाने के बाद में देख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ब्लीडिंग चलना शुरू हो गया। देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड दिख रहा होगा। तो क्या करेंगे कि ये हल्का खोलने के बाद में यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर में इस तरीका से फिंगर टिप से दबा लेंगे। दबाने के बाद में कैप को निकाल करके और यहाँ पे इस पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद में अब करते क्या हैं कि इसमें अपने जो कैप है उसको फंसा करके रख लेते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी कैप इधर उधर जाने से इन्फेक्शन लगता है या खो जाने का डर होता है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से सलाइन को अब स्टार्ट कर लेंगे। सलाइन चलने लगा। कई बार होता क्या है कि डिसकनेक्ट करने के बाद में अगर टाइमिंग आपका ज़्यादा लगा हो तो क्या होता है कि यहाँ पे क्लॉट लग जाता है, जिससे कि आप देख पा रहेंगे वहाँ खोलने के बाद में आपको सलाइन यहाँ से जाना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। वैसी स्थिति में क्या होती है कि आप इससे इस तरीका से फोल्ड करके इधर से रास्ता को ब्लॉक करें। ब्लॉक करने के बाद में यहाँ पे हर एक आईवी सेट में यहाँ पे रबर का पार्ट लगा हुआ होता है, उस पर इस तरीका से फिंगर से आप पिंच कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या होता है कि इस नीडल में अगर थोड़ा सा भी क्लॉट लगा हुआ हो तो क्लॉट निकल जाता है, सलाइन आपका दोबारा चलना शुरू हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।